नमस्कार दोस्तों, मैं रेखा स्वागत करती हूँ आपके अपने ही कुकिंग चैनल इसके सिंपल फूड पे। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज मैं घी की सब्जी लेकर आई हूँ। ये है फाइबर और प्रोटीन से भरपूर और ये बिहार का और यूपी का रेसिपी है जो छठ में हम बनाते हैं कद्दू भात के दिन। वो है ये लौकी और चने की दाल से बना है। बस फर्क ये है कि इस टाइम मैं पाँच फोरन इस्तेमाल कर रही हूँ और छठ के टाइम इसमें जीरा इस्तेमाल किया जाता है, पाँच फोरन को नहीं इस्तेमाल किया जाता है। और इसके लिए हम क्या लेंगे और कैसे बनेगा, कौन से सामान लेंगे वो दिखाती हूँ। तो ये लिया है मैंने कद्दू, यानी लौकी, बोटल गॉड, जो भी आप कहते हैं। तो ये लेके काट के रख दिया है। साथ में क्या लूँगी वो दिखाती हूँ। तो यूपी बिहार के जो खाने होते हैं वो हेल्थ के वजह से बहुत अच्छे होते हैं, मैं बताऊँगी बाद में आपको। तो इसमें पांच फोरन लाल मिर्च लिया है, हल्दी लिया है, चने का दाल भिगो के लिया, धनिया पत्ता लिया है और साथ में लिया है नमक। बस इतने ही सामान हैं। और जो हम बनाते हैं उसमें छठ में, उसमें ये पाँच फोरन नहीं लेते हैं। चलिए आगे कैसे बनाती हूँ और क्या क्या लगता है और क्यों बनाती हूँ मैं, ये ज़रूर बनाती हूँ। हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन ये बनता ही बनता है। तो हमारे घर में 4-5 दिन ज़रूर बनता है क्योंकि फाइबर भी होता है इसमें और प्रोटीन होता है जो वेट लूज कर रहे हैं, जैसे मैं और मेरा बेटा। तो हमारे लिए बहुत ही है, बस तेल उसमें थोड़ा कम रखती हूँ। टेस्टी इतना कि आप रोटी से खाएं, पराठे से खाएं या दाल चावल के साथ या सिंपल चावल के साथ खाएं। तेल को हो जाने देते हैं गरम कढ़ाई में, उसके बाद इसमें डालेंगे हम पाँच फोरन। तो याद रखिएगा छठ में पाँच फोरन नहीं डालते हैं, जीरा डालते हैं। वरना काफ़ी लोग होंगे जो कमेंट करके ये कहेंगे कि मैम आपने तो पाँच फोरन डाला है, छठ में तो नहीं खाते हैं। यस, नहीं खाते हैं। आम दिनों में जब बनाती हूँ तो या तो मैं मेथी का तड़का देती हूँ या मैं पाँच फोरन का तड़का देती हूँ। तो आज मैं दे रही हूँ पाँच फोरन का तड़का और जब मैं छठ में बनाती हूँ तो मैं देती हूँ जीरे का तड़का। तो चलिए इसको हो जाने देते हैं, उसके बाद दिखाती हूँ। तो हमारे यूपी बिहार का जो खाना होता है मिक्स होता है, यानी चना, चने का दाल, मूंग का दाल, मसूर के दाल, जैसे तोरी मसूर का दाल, तोरी मूंग का दाल, तोरी कीमा के साथ, करेला कीमा के साथ, और आलू बैंगन चना, आलू बैंगन मूली चना, ठीक है, तोरी चना, चना का दाल। तो ये क्या होता है कि मिक्स सब्जियां जो बनती है उसमें आपको अलग से प्रोटीन ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें चना है, चने की दाल है, मूंग की दाल है, मसूर की दाल है, ये सब फायदेमंद है। तो अगर घिया ताज़ा है तो ये पानी छोड़ेगा, हमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डाल देते हैं नमक और हल्दी। आप अगर खाते हो अदरक तो इसमें डाल सकते हैं, मैं अभी नहीं डाल रही हूँ, काफ़ी बार डालती हूँ, काफ़ी बार नहीं डालती हूँ। आप इसको कुकर में बनाना चाहते हैं तो बस एक सीटी लगाइए, पानी मत डालिएगा, पक जाएगा। इसमें बना रही हूँ कढ़ाई में। अगर घिया ताज़ा है तो पानी की डालने की ज़रूरत नहीं होती है, मिला के मैं कम करके इसके ढक दूँगी। और अगर घिया सूखा हुआ है, शहरों में कहाँ मिलता है ताज़ा, तो आप इसमें ज़रूरत अनुसार पानी डाल दें ताकि हमारा घिया उतने में पक जाए। तो ये देखिए चलाते चलाते पानी छोड़ चुका है, इसे थोड़ी देर रखेंगे ढक के, उसके बाद दिखा। तो इसको चलाते हुए ढकते हुए पका लिया है पानी सूखने तक। जब पानी सूख जाएगा तब दिखाती हूँ आपको। तो ये पानी देखिए सूख गया, तेल आ गया है ऊपर। अब मैं इसे सर्व कर लेती हूँ। आप इसे प्लेन चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, पराठे के साथ खाएं, या वेट लूज करने वाले बस ऐसे ही रात को 1 पोट मील में इसको ले सकते हैं। तो एक दाल भी बनाती हूँ मैं चने घिया की, वो भी लेकर आऊँगी, जल्द ही लाऊँगी। तो आप भी बनाइए, खाइए और मुझे कॉमेंट करके एक बार ज़रूर बताइए कि हमारे ये बिहार की रेसिपी आपको कैसी लगी, बिल्कुल सिंपल कम मसाले में। आपकी भी कोई रेसिपी हो तो मुझे दीजिए और मैं आपके नाम से उसको अपने चैनल पे डालूंगी। तो मिलते हैं नए रेसिपी, नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद।